आपकी जिंदगी में आलोक आलोक जी कैसे आए और कैसे आपकी मुलाकात हुई? मेरी क्योंकि मेरे ऊपर अटैक हुआ उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे घर की सिचुएशन बहुत खराब होने लगी, क्योंकि कोई भी अटैक होता है तो वो सिर्फ एक पर्सन पे नहीं होता है, उसकी पूरी फैमिली पे होता है। और मेरे पापा की 2012 में डेथ हो गई हार्ट अटैक से, क्योंकि मेरा भाई को टीबी हो गया था और डॉक्टर्स ने कहा कि वो नहीं बचेगा, तो उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद मुझे बहुत वैसा फील हो रहा था कि हमारे घर में एक ही अर्निंग मेम्बर है और कैसे घर चलेगा। तो मैं काफ़ी जगह जॉब के लिए जा रही थी, कोई मुझे जॉब नहीं दे रहा था। तो मैंने जब कॉल सेंटर में भी बात की तो उन्होंने कहा कि लोग आपको देख के डरेंगे। तो मैंने कहा कॉल पे कौन कस्टमर देख के डरता है भाई, लोग तो चेहरा देख के डरेंगे, तो मेरी कौन सी रिसेप्शन की जॉब है जो मुझे देख के लोग डरेंगे। उसके बावजूद भी मुझे जॉब नहीं मिली, मैं बहुत परेशान रही, मम्मी भाई को लेके हॉस्पिटल में थी। फिर 2013 में आलोक जी ने स्टॉप एसिड अटैक करके कैंपेन स्टार्ट किया था, और 2006 में मैंने एक PIL डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि एसिड को बैन किया जाए, ऐसे खुलेआम एसिड ना बिके। जब ऋषिकेश में अंडा बैन हो सकता है जो एक खाने की चीज़ है, तो एक एसिड क्यों नहीं बैन हो सकता जो एक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो उस वक्त में यही ख्याल आया, और उसके बाद फिर इसका रिजल्ट 2013 में ही आया। बहुत सारे लोग मुझे ढूंढ रहे थे कि लक्ष्मी कौन है जिसने सुप्रीम कोर्ट में PIL डाला है, और उसके बाद वो कहाँ है, क्या कर रही है, वो कभी बाहर नहीं आती है, मीडिया से बात नहीं करती है। लेकिन उसके बाद एक लकली एक दैनिक भास्कर से उम्मीदा थी और उन्होंने मुझे ढूंढ भी निकाला, और वो लकली आलोक की दोस्त थी वो, और उन्होंने मुझे आलोक के लिए बताया कि वो ऐसा कैंपेन कर रहे हैं। उन्होंने 8 मार्च 2013 में कैंपेन स्टार्ट किया था। जब मैं उनसे मिली तो मैं उनके अलावा ऑलरेडी 5 सर्वाइवर थे एसिड अटैक सर्वाइवर जिन्हें मैंने फर्स्ट टाइम फेस किया था। उसमें से कुछ सर्वाइवर ऐसे थे जो पूरी जिंदगी नहीं देख सकते हैं, कुछ सर्वाइवर ऐसे हैं जो एक आंख से देख सकते हैं एक आंख से नहीं देख सकते। तो उस टाइम पे यही रियलाइज हुआ कि ये बहुत पेनफुल चीज है, और कुछ यंग लोग गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, ये टाइम एक अलग होता है, घूमते हैं फिरते हैं ये सब करते हैं, अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं। तो कुछ लड़के मिलके ये कैंपेन स्टार्ट किया है, और वो भी हम लोगों के लिए, तो हम उनके साथ मिलके क्यों ना खड़े हो। तब हम लोग साथ में खड़े हुए, और उसके बाद बैक टू बैक कैंपेन करते गए। उसी टाइम रिजल्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, कैसे खुले आप ऐसे नहीं बिकना चाहिए। और बैक टू बैक मीडिया हम दोनों को ही स्पेशली बुलाती थी, और जहाँ जा रहे हम दोनों ही इंटरव्यू के लिए जाते थे, और उसी दौरान हम लोगों को प्यार हो गया। और ना उन्होंने मुझे कुछ कहा ना मैंने उनसे कहा, और वो भी हिचकिचा रहे थे मैं भी हिचकिचा रही थी, और फिर मैं तो बहुत डर रही थी कि ये सारे है और उसके बाद ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा हो गया कि वो बहुत सारे लड़के रहते थे घर में, और मैं अपने घर चली गई थी, मैं अकेली लड़की उनके घर पे रहने लगी थी, क्योंकि मेरे घर का रास्ता 3 घंटे का था, 3 घंटे मुझे जाने में और आने में ऑफिस में लगते थे। तो उन्होंने कहा कि अब आप यहीं पर रह के काम करो। तो उसी बीच में ही फिर वो सारी चीज़ें और प्यार व्यार ये सब चीज़ें हो गया। और उसके बाद फिर उस टाइम में उनको ये रियलाइज हुआ कि जब मैं अपने घर गई पहली बार, तो उन्होंने मैंने मैसेज डाला कि आज कैसा लग रहा है, तो उनका मैसेज आया आज घर घर नहीं लग रहा है। उसके बाद फिर मैं वापस आई, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं सच में हम दोनों को प्यार हो गया है, और फिर हम दोनों ने एक दूसरे को कह दिया कि हाँ हम नहीं रह सकते हैं एक दूसरे के बिना। लक्ष्मी एंड आलोक हैव डिसाइडेड नॉट टू गेट मैरिड बिकॉज शी सेज दैट दे आर गोइंग टू लिव टुगेदर फॉरएवर, और ये सोसाइटी का जो कन्वेंशन है वो उन्हें नहीं करते। Thank you.
ज्यादा बैठ जाओ मैम. टुडे ऑल द इंस्पायरिंग फैसिलिटेटर विद अवार्ड, व्हाट डू लाइक टू से अबाउट इट? यू नो the 3 hours that I was inside really made me feel you know, हमारे life में बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी problems, अभी मैं ये कह रही हूँ कि छोटी छोटी problems हैं, क्योंकि ऐसे लगता है कभी कभी the problems are so big and handle नहीं होता, हम low हो जाते हैं, tension हो जाते हैं. एंड देन ऐसे गैदरिंग में जब बैठते हैं और लक्ष्मी जैसे लोगों की बात सुनते हैं, स्पेशली लक्ष्मी जिस तरह से वो बात कर रही थी, एंड ऑल्सो गौरी सावंत एंड ऑल दी अदर वीमेन, वंडरफुल पीपल, यू फील लाइक यू हैव टू गो आउट एंड डू समथिंग एंड नॉट क्राई एवर अगेन. हमें कोई हक नहीं बनता कि हम कोई भी चीज़ को लेके लाइफ में रोएं, बिकॉज यू नो यू हैव टू अपनी मदद करो पहले और ताकि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं. आई एम टोटली इंस्पायर्ड एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट हम जिसको कोई भी चीज़ सिखाते हैं या कोई भी किसी को इंस्पायर करना चाहते हैं, हम उनसे बातें नहीं करनी चाहिए, हमें उन्हें सिखानी नहीं चाहिए. वी हैव टू बी दैट. सो टुडे आई सॉ लक्ष्मी, आई सॉ हु शी वॉज. इट्स नॉट वॉट शी वॉज टेलिंग, इट्स नॉट कि उसने क्या बात कही और किस तरह से हमें उन्होंने कोई भी बात सिखाई, बट जस्ट लुकिंग एट द वे शी वॉज, बाय लुकिंग एट गौरी सावंत द वे शी इज, आई एम इंस्पायर्ड एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड टू बी टूडे इन दिस रूम. और मैं कोई भी फंक्शन में आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रुकती हूँ, बिकॉज आई एम देयर फॉर अ रीज़न, आई डू दैट एंड आई गो. टुडे आई सैट फ्रॉम द बिगिनिंग, सबसे पहले मैं आई थी क्योंकि मुझसे कहा गया था कि मैं 6:30 बजे यहाँ रहूँ. फ्रॉम 6:30 to 10:30 आई एम हियर, आई हर्ड एवरीबडी, आई लिसन टू एवरीबडी, आई नो वट एवरीबडी सेट, सो आई एम रियली रियली प्रेजेंट एंड अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. फर्स्टली द नेम इज़ वेरी 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 इंस्पायरिंग एंड एनकरेजिंग. उन्होंने अपनी बेटी का नाम शी रखा. बहुत साल पहले जब मुझे पता लगा कि मुझे बेटी होने वाली है, मैं उसका नाम जीजी रखना चाहती थी. कोई किसी ने माना नहीं फैमिली ने, तो इसलिए मेरे बच्चों के नाम अलग हैं. और जीजी का मतलब क्या है आप पूछिए, इट इज़ गॉड गिवन. तो मैंने भी इसी तरह से एक नाम सोचा था अपनी बेटी के लिए, बिकॉज माई चिल्ड्रन आर माई गिफ्ट. तो उन्होंने शी रखा, इट हैज़ मीनिंग इन हर लाइफ. सो इट्स फैंटास्टिक व्हाट शी इज़ डूइंग और I wish them all the best, Lakshmi, Gauri and all the other women achievers and Karan Gupta for putting this and honoring and reminding us all of this wonderful. Any message you'd like to give all the people? Any inspiring message? ये सब बातें सुनने के बाद मैं क्या कह सकती हूँ कि जो inspiring हो सकती है, but I'll just like to say that be proud, be happy and live your life. मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि आज मुझे ये अवार्ड के प्लेटफॉर्म पे मिली, क्योंकि यहाँ पे जो जो दूसरे अवार्डीज थे जैसे कि लक्ष्मी और गौरी और कृष्का, मालिनी और शाहीन, बहुत अलग और बहुत अच्छे अचीवर्स थे, वुमेन अचीवर्स. लक्ष्मी इज़ वुमेन हु आई एडमायर क्योंकि वो एक एसिड अटैक सर्वाइवर है. गौरी इज़ अ ट्रांसजेंडर हु इज़ ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस. इनके बीच में मुझे ये अवार्ड मिली और अमृता फडणवीस को वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिली, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये प्लेटफॉर्म पर मुझे ये अवार्ड मिला. लक्ष्मी जी ने जो अच्छी ऑर्गेनाइज किया उसके बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहिए, कैसे लग रहा है? लक्ष्मी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कहा कि उन्होंने कहा कि मैं एक एसिड अटैक विक्टिम नहीं हूँ, मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ. और वो सुनकर बहुत इंस्पिरेशनल लगा मुझे, बिकॉज दैट्स हु आई एम, मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ. और मुझे अच्छा लगा कि इन स्पाइट ऑफ गोइंग थ्रू ऑल दैट शी डिड, शी इज स्टिल सो पॉजिटिव एंड आई एडमायर हर एंड शी हैज़ अ फैन इन मी. I want to tell all the women out there, we all are beautiful. We could be dark, we could be fair, we could be short, we could be tall, we could be fat, we could be thin, we could be anything, but we're all beautiful. All you have to do is smile and have the confidence to walk into the room and make your presence felt, because a woman is beautiful because she knows how to love unconditionally. So just keep loving and keep shining. Thank you. Thank you.
ma'am, today you have awarded. So how are you feeling? I'm feeling very happy, but I'm feeling that I still don't deserve this award, because when I came here, I met Gauri and the transgender, like we all know, and Lakshmi, who's an acid victim. Oh. Not a victim, I feel. Survivor. So after hearing their stories, I feel the way they have struggled. None of us has faced that kind of struggle yet. You know, our struggle is just like nothing next to them. You know, they face each and every day. So they have inspired me with a beautiful inspiration, what they have and how they have survived, and the things I've ever heard. Maybe I didn't know all this also happened. You know, how the transgenders are treated on the street. And we all of us got together and we asked her, what can we do? What can we do? How can we help you? She just, those beautiful sentences I cannot forget. She said that whenever you see one of us, just ask him or her to come and sit with you and just have a cup of tea. All they need is love. It's not always they need money. Incredible. And what would you like to say about the She organization by Lakshmi? She organization is fantastic, you know, for all the acid survivors, because they don't get work, and the way she started, it's really overwhelming to hear such a great idea, you know, to help people and to earn money and be with among all their friends. It's and to learn about their story and learn about what happened to them, how they had to face the struggle. It's really a fantastic step from Lakshmi. I just wish that I wish such cafes are open all over India. Any message you'd like to give to any inspiration message? I would tell all the women, just go after your dream. Be patient, courageous, and fearless to achieve whatever you want to achieve. I'm sure you can. Thank you. Thank you.